दोस्तों आप जो हमारे स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, इस तरह का फोटो एडिटिंग करना बहुत ही आसान है। आप खुद की मोबाइल से स्नैपशीट एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको स्नैपशीट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। अगर आप सबके पास स्नैपशीट एप्लीकेशन नहीं है तो हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्नैपशीट एप्लीकेशन का लिंक, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। स्नैपशीट एप्लीकेशन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो आपको जो यहाँ बड़ा प्लस का आइकन दिखेगा, आपको प्लस वाले आइकन पे कर देना है क्लिक, और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद अपनी खुद का फोटो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। गाइज मैंने यहाँ पे फोटो इंपोर्ट कर लिया है। फोटो इंपोर्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। साइड में आपको यहाँ तीन टूल्स दिख रहा है, उसके बीच में आपको पेंसिल का आइकन दिख रहा है, ठीक है। आपको कर देना है पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक, और पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्रॉप, ठीक है। आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। फोटो को थोड़ा मोड़ा अपना एडजस्टमेंट कर लेना है, तो आपको जो मिल जाएगा यहाँ स्क्वायर में इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ साइन की मार्ग, आपको इस पर क्लिक करके डन कर लेना है, ठीक है। फिर से आपको पेंसिल वाले आइकन पे कर देना है क्लिक। पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ डबल एक्सपोजर, आपको कर देना है इस पर क्लिक। डबल एक्सपोजर पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ ऐड फोटो का ऑप्शन, आपको कर देना है ऐड फोटो पे क्लिक। और ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है। दोस्तों मैंने यहाँ बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लिया। इस बैकग्राउंड को आपको जूम आउट करना है कुछ स्टेप्स, ठीक है। और आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेना है। एडजस्टमेंट करने के बाद आपको ये जो मिल जाएगा ओपासिटी का, ओपासिटी के अमाउंट को आपको 100 कर लेना है। 100 करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ साइन की मार्क, आपको इस पर क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों आपको ये जो ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा व्यू एडिट्स, ठीक है। आपको कर देना है व्यू एडिट्स पे क्लिक। जैसे ही आप व्यू एडिट्स पे क्लिक कीजिएगा, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको मिल जाएगा यहाँ डबल एक्सपोजर, आपको कर देना है डबल एक्सपोजर पे क्लिक। डबल एक्सपोजर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फोटो को जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से। और फोटो को जूम आउट करने के बाद इस जो भी अभी आप जो फोटो ऐड किए थे उस फोटो को आपको बैकग्राउंड पे इस तरह से ब्रश कर देना है, ताकि जो मेरा बैकग्राउंड का है फोटो वो चेंज हो जाए। मैंने कि मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने आराम आराम से पूरी फोटो पे आप, सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो चुका है, तो आपको जो मिल जाएगा डाउन का, आपको इस पर क्लिक करके शॉर्ट कम कर लीजिएगा, और आपको यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। फिर से आप बैकग्राउंड पर चलाना है तो आपको इसको फुल कीजिए। और आपको बता दे रहा हूँ, आप मैं इस वीडियो को थोड़ा स्क्रिप कर दूँगा, ठीक है। नहीं तो मैं इतना आराम आराम से करूँगा तो भाई वीडियो लंबा हो जाएगा, इस चलते मैं वीडियो को थोड़ा स्क्रिप कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बैकग्राउंड में पूरा इस तरह से इरेज कर लिया, ठीक है। अब आपको जो मिल जाएगा यहाँ साइन की मार्क, आपको इस पर क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ एरो का ऑप्शन, आपको कर देना है एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक, और चले आना है बैक। बैक आने के बाद दोस्तों फिर से आपको पेंसिल बैक में क्लिक करना है, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और आपको मिल जाएगा यहाँ सेलेक्टिव टूल, ठीक है। आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। फेस पे आपको टैप करना है, और टैप करने के बाद इसको थोड़ा जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से। ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके सैचुरेशन के अमाउंट को आपको कम कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों आपको जो है मिल जाएगा साइन की मार्क, आपको इस पर क्लिक करके डन कर लेना है। दोस्तों डन करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ एरो का ऑप्शन, आपको कर देना है इस पर क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा शेयर का ऑप्शन, आपको कर देना है शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक। और इस फोटो को मैं ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में शेयर करूंगा, और वहां पे मैं हेयर एडिटिंग करने वाला हूं। तो ये रहा मेरा ऑटोडेस्क एप्लीकेशन, मैं इस पर कर रहा हूं क्लिक। यहां मैं ऑटोडेस्क एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल रखा है, इस चलते आपको यहां शो कर रहा है। अगर आप में इंस्टॉल नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके दिखला दूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा फोटो यहाँ पे फाइनली इम्पोर्ट हो चुका है। अब हेयर एडिटिंग करने के लिए आपको ये जो ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा सेकंड वाला कलर ऑप्शन, आपको इस पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा सेटिंग, आपको कर देना है सेटिंग पे क्लिक। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इसका फॉलो है, इसको आपको 44 रख लेना है, और स्ट्रेंथ है आपको 36 रख लेना है, और साइज को अपने अनुसार से रखना है, ठीक है। रखने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ कट का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और आपको हेयर एडिटिंग यहाँ पर अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब जितना आराम आराम से यहाँ पे एडिटिंग करें उतना अच्छा एडिटिंग होगा, ठीक है। तो भाई आप लोग आराम आराम से कीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों इतना करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको फॉलो को यानी कि 3 रख लेना है, यानी सॉरी 2 रख लेना है, और स्ट्रेंथ को
1 रख लेना है और साइज को आपको 2-3 के आसपास रख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 रख ले रहा हूँ और यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और कट करने के बाद दोस्तों आपको ये जो ऑप्शन दिखेगा आपको इस पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो मिल जाएगा गाइड्स का ऑप्शन आपको करना है इस पर क्लिक, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना है क्योंकि मैं यहाँ पे हेयर कटिंग करने वाला हूँ, ठीक है। इतना पे पहले इसको अच्छी तरह से आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद आप हेयर कटिंग कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ से इस तरह से स्लेस करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ स्लेस करके दिखला दे रहा हूँ, थोड़ा साइज को और भी मैं बड़ा कर ले रहा हूँ, ठीक है। 7 के राउंड थोड़ा जल्दी हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए इतना सारा एडिटिंग हो चुका है और यहाँ से कट कर देना है। अब दोस्तों फोटो को सेव करने के लिए आपको ये जो ऑप्शन दिख जाएगा आपको इस पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा गैलरी का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करके फोटो कर लेना है सेव और आपको मिल जाएगा यहाँ 2 ऑप्शन, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो कर लेना सेव। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नेट टॉपिक के साथ। लव यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।